એટલે આપણને ગાવાનું કંઈક અંદરથી મજા આવે. વર્ષોનો તપ છે, વર્ષોનો અભ્યાસ છે, પણ નલિયા અમે જ્યારે આવી ત્યારે એકાદો રાગ કંઈક નવો સંભળાવીને જાય એવું અમે ઓડિયન્સને કોલ આપેલો છે. કંઈક એક રાગ નવો, કારણ કે સુરતા સૂરને માણવા વાળો છે. ત્યારે શરૂઆતથી જ કહી દઉં, રાગ છે યમન કલ્યાણ જે કહ્યો, પણ એની સાવ નજીકનો રાગ સ્વર ઈ છે, રાગ છે મારું બિહાર. યમન નિર્મલ દેખ કે કાયા
परमात्मा पासे एना मंदिर मा एनी मूर्ति पासे जैन बे हाथ जोड़ी आ मारे ने तमारे कहेवानी बात छे एनु भजन छे। तूने मुझको जग में पर मैंने आकर के प्रभु जी अरे इसको दाग लगाया जन्मों जन्म की मेरी जादा हे प्रभु अब कैसे दाग मिटाऊं कैसे दाग मिटाऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे मेली चादर ओढ़ के कैसे ये निर्मल वाणी पाकर तुझसे निर्मल वाणी पाके तुझसे नाम तेरा नैन मूंद के हे परमेश्वर कवि कल्पना से कवि लागनी से निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया अरे प्रभु नैन मूंद के हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया पछतावा न भजन से जे हो पछतावो करी ले पछी जीवन एनु उजड़ू थई जाय छे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे अरे नाम तेरा गाया मैंने हवे नैन मूंद के कभी न तुझको ध्याया मैं
अमन वीणा की तारे टूटी मन वीणा की तारे मन वीणा की तारे टूटी मैं अब क्या गीत सुना अब क्या गीत सुना मेली चादर ओढ़ के कैसे मेली चादर ओढ़ के कैसे क्या बात बड़ा दुख दिया इन पैरों से चलते तेरे बड़ा मैं तो मंदिर कभी नहीं आया जहां जहां हो पूजा तेरी जहां जहां हो पूजा तेरी वहां शीश झुकाया मैंने अब ए हरिहर में तो हर के आया ए हरिहर में अब को प्रभु जी अब क्या हाल चढ़ाऊं मैं अरे अब क्या हाल चढ़ाऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में तो आऊं मैं तो अरे द्वार